सिर्फ दो कॉर्ड का इस्तेमाल किया है। ये गाना पूरा का पूरा दो कॉर्ड में हो गया है, तो जो एक्सट्रीम बिगनर्स हैं जो अभी भी शुरू कर रहे हैं वो भी इस गाने को आराम से प्ले कर सकते हैं। इसमें मैंने तो प्लकिंग पैटर्न यूज किया, हालांकि मैं अल्टरनेटिव इसका जो रिदम पैटर्न है वो भी बता दूंगा, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए कॉर्ड देख लेते हैं। पहला कॉर्ड है वो है डी मेजर, ठीक है, और जो सेकंड कॉर्ड है वो है जी मेजर, ठीक है। तो ये दो कॉर्ड यूज हुए हैं, डी मेजर एंड जी मेजर। तो इन दोनों कॉर्ड में पूरा गाना हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब चलते हैं रिदम और प्लकिंग पैटर्न की तरफ। चलिए प्लकिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो हमने डी कॉर्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो बेस नोट होता है वो है फोर्थ नंबर की स्ट्रिंग ओपन डी। तो हम यहीं से शुरू करेंगे, 4 3 2 3 1 2 3 2 अगेन 4 3 2 3 1 2 3 2, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से साउंड करेगा। अब जो जी है इसमें बेस नोट इसका चेंज हो जाएगा, जो नीचे का पैटर्न है वो सेम रहेगा। इसमें 6 5 करना है आपको, 6 5 2 3 1 2 3 2, ठीक है, 6 5 2 3 1 2 3 2 6 5 2 3 1 2 3 2 6 5 2 3 1 2 3 2 6 5 2 3 1 2 3 2। और भी पैटर्न यूज कर सकते हैं आपके ऊपर, अगर आपको ये यूज नहीं करना है, ठीक है। अब जो रिदम है वो बता देता हूं मैं, जो बिगनर्स हैं उनको अगर तकलीफ होगी इस पैटर्न को यूज करने में, प्लकिंग पैटर्न को यूज करने में, तो उसकी जगह आप ये है डाउन डाउन अप अप डाउन अप, इस रिदम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप अप डाउन, ठीक है। तो ये गाना इस रिदम में भी सही साउंड करेगा। आवाज दो हमको, हमको गए, ठीक है। तो आप इस रिदम को भी यूज कर सकते हैं, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए प्रोग्रेशन की तरफ चलते हैं। अब जो पहली दो लाइनें हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ डी मेजर यूज हुआ है, ठीक है। आवाज दो हमको, हमको गए, से जागे कब सो गए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डी यूज हुआ है, तो आप इसमें चाहे रिदम प्ले कर सकते हैं या फिर जो प्लकिंग पैटर्न बताया वो भी यूज कर सकते हैं। आवाज दो है, आप चाहे इसको यूज करें अब चाहे प्लकिंग पैटर्न, ठीक है। आवाज दो हमको, हमको गए, ठीक है। तो जो पहली दो लाइन है उसमें सिर्फ और सिर्फ डी यूज हुआ है। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो है मर जाएंगे, डी मेजर, अब यहाँ पे जी यूज होगा, हम मगर वापस डी पे, दूर तुमसे हो गए, ठीक है। तो इसमें डी मेजर जी मेजर और डी मेजर यूज हुआ है। पहला पैराग्राफ कैसा है, डी मेजर देन डी मेजर जी मेजर एंड अगेन डी मेजर, आवाज दो हमको, हमको गए, ये पहली लाइन होगी डी मेजर पे। दूसरी लाइन है कब नींद से जागे कब सो गए, ये भी दूसरी लाइन डी मेजर पे होगी। डी मेजर से तीसरी लाइन भी शुरू होगी, मर जाएंगे, अब यहाँ पे जी यूज होगा, हम मगर वापस डी, दूर तुमसे हो गए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट है उसमें डी मेजर, दोनों लाइनों के लिए डी मेजर यूज हुआ है, तुमसे निगाहें जा
इसमें भी सिर्फ डी मेजर यूज हुआ है दोनों लाइनों के लिए। डी मेजर पहली लाइन, तुमसे निगाहें चार करने लगे, तुम से प्यार करने लगे। अब यहां से चेंज होगा, डरते न थे मौत से, यहां तक जी था, अब डी आएगा। अब मगर डरने लगे, तो लास्ट लाइन के लिए जी एंड डी था। मौत से अब मगर डरने लगे। अब वापस हमें पहला पैराग्राफ रिपीट करना है। आज ठीक है, तो जो ये पैराग्राफ है इसके बाद सेम जो सेकंड वर्स है उसका सेम साउंड कर रहा है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं सिर्फ वर्ड्स के सिवा, तो वो प्रोग्रेशन भी सेम रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मुझे सर्च भी कर सकते हैं बैकअप प्लेस के नाम से। बाय।